धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ शाम होते ही बालू से लदे ओवरलोडेड ट्रक सड़कों पर फर्राटे भरने लगते हैं। बालू माफिया इतने दबंग हैं कि इन्हें ना तो प्रशासन की परवाह है और ना ही पुलिस का खौफ। नियमों कायदों को ताक पर रखकर बेधड़क अवैध खनन जारी है। अवैध खनन से नदियों से सटे गाँव के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो बालू माफियाओं का विरोध करने पर उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। ऐसे में सूखे की मार झेल रहे किसानों को अपनी फसल बर्बाद होते देखने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में सरकार के तमाम दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। हमें दिक्कत है इस बालू से, ओवरलोड निकलने के हमारा पानी पूरा गंदा हो रहा है, नीचे जानवर मर रहे हैं, पूरे मछलियां मर रहे हैं। क्या कभी कोई अधिकारी आया है? ना, कोई अधिकारी, अब तक कोई अधिकारी नहीं आया। तो आपने शिकायत की कभी अधिकारी? शिकायत तो कर रहे हैं, शिकायत की नहीं है, शिकायत कर रहे हैं तो गाली गलौज दे रहे हैं, दुनिया की दिक्कत है। चारों तरफ पानी है तो अवैध वाली कोई बात नहीं। जो अभी तक खनन चला उसपे पुलिस ने क्या कार्रवाई की? और क्या पुलिस ने तो बीच बीच में मुकदमे कायम किए और तमाम खनन पर मुकदमे कायम हुए हैं, लेकिन जहां तक अवैध खनन, जिसको आप अवैध खनन कहते हैं, जिसमें जिला अधिकारी के द्वारा, खनिज अधिकारी के द्वारा रवाना जारी किया जाता है, एमएमएट जारी किया जाता है, उसको अवैध हम कैसे कह सकते हैं? पुलिस के पास कौन सा पावर अवैध है, जिसमें बाकायदे जो MM11 MM8 जो जारी किए जाते हैं, रवाना जारी किए जाते हैं, तो हम वैध ही मानेंगे। कहीं भी अवैध खनन होने पर त्वरित प्रभावी कार्रवाई की जाती है। ऐसा है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के संबंध में हमारे शासन से निर्देश, सख्त निर्देश प्राप्त है, जिसके क्रम में ARTO, SDM और क्षेत्राधिकारी पुलिस की टीम बनाई गई है, वो ओवरलोडिंग व अवैध खनन की जांच करते हैं। इसमें भी जांच होती है ओवरलोडिंग और